नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और आज डीडी न्यूज और हमारी संस्था प्रसार भारती के लिए विशेष दिन है, क्योंकि आज से दूरदर्शन खादी के विविध रंगों को देश दुनिया के अपने दर्शकों के सामने पेश करेगा। खादी का जुड़ाव प्राचीन भारत से और फिर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे तौर पर रहा है। खादी भारत और भारतीयता का प्रतीक रहा है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद न सिर्फ खादी का विस्तार हुआ है, बल्कि ये एक स्टाइल आइकॉन भी बन गया है। तो खादी के विविध रंगों को नए आयाम देने के लक्ष्य के साथ देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती और खादी इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत डीडी न्यूज और डीडी इंडिया चैनल के एंकर्स अब खादी के परिधानों में नजर आएंगे और आज से इसकी शुरुआत हमने कर दी है। तो खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, एक विचार भी है और इस विचार का प्रसार भी हम देश दुनिया में कर रहे हैं। तो इससे जुड़ी खबर हम आपको अपने इस विशेष अंक में तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे की। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। क्या रहा है पीएम के इस दौरे में खास, आपको विस्तार से दिखाएंगे न्यूज नाइट। साथ ही साथ लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार बदल रही सियासत से जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे और इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। तो अगले एक घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को दी 55,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा सरकार अष्टलक्ष्मी की ही तरह पूर्वोत्तर के विकास और प्रगति के लिए कर रही है काम। प्रधानमंत्री ने सेला टनल का किया उद्घाटन और दिबांग जल विद्युत परियोजना की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने असम में लगभग 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जोरहाट में प्रसिद्ध अहोम जनरल लचित बोरफुकन की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सहनी पड़ी उपेक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में राज्य को दी 1,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। सिलीगुड़ी में ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों को कदम कदम पर लूट रही है टीएमसी सरकार। बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन में जमकर बरसे वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर पिछड़ा विरोधी होने का लगाया आरोप। कहा दोनों हैं वंशवादी राजनीतिक दल, अपने बेटों को बनाना चाहते हैं पीएम और सीएम। लगातार मजबूत हो रहा है एनडीए गठबंधन। बीजेपी टीडीपी और जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश में मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वहीं इंडी गठबंधन में टूट, अलगाव और विरोधाभास जारी। आसिफ अली जरदारी चुने गए पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। महमूद अचकजई को हराकर दूसरी बार हासिल किया शीर्ष पद। और धर्मशाला टेस्ट मैच में भारत की बड़ी जीत, इंग्लैंड को पारी और 64 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज पर 4-1 से जमाया कब्जा। सीरीज में 712 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे की। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों और फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में रोड शो किया, लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया। तो वाराणसी में सड़क के दोनों ओर लोग बड़ी संख्या में जुटे और गाजे बाजे ढोल ताशे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जमकर हाथ हिलाते लोग अभिनंदन स्वीकार करते प्रधानमंत्री। ये काशी की सड़कों ने, काशी के लोगों ने कई बार देखा है और आज ये नजारा एक बार फिर काशी में देखने को मिला।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो रोड शो है ये काफी लंबा है, जो इसका रास्ता है वो काफी लंबा है, लेकिन जो लोगों की भीड़ है, जो लोगों का तांता है वो टूट नहीं रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और काशी वाराणसी के लोग कितना प्यार करते हैं उनसे, ये साफ तौर पर दिखाता है किस तरह से उमड़ पड़ी है काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसद नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए। आपको इस भीड़ में समवेत स्वर में जो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं उसके साथ ही साथ ढोल ताशे के स्वर भी नजर आ रहे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्साहित उल्लसित हैं लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। हाथ हिलाकर सेल्फी लेकर मोबाइल में इन छड़ों को कैद करना चाहते हैं लोग, और प्रधानमंत्री भी काफी आह्लादित प्रसन्न चित्त हैं काशी में पहुंचकर। काशी के साथ उनका एक विशेष जुड़ाव है, वो यहाँ के सांसद हैं और एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो प्यार है जनता और नेता के बीच में, ऐसा जो देखने में दुर्लभ रहता है, कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नेताओं से उचाट हो जाना या उनसे विरोधाभास रखना ये बहुत आम हो चला है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलती है, जो उनकी लोकप्रियता का जादू है वो देखने लायक होता है, और वो किसी सिने स्टार को मात देते नजर आते हैं। इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतना स्वतः स्फूर्त लोगों का आना, और मोदी मोदी के गगनभेदी नारों से पूरा स्वर गूंज रहा है, ये देखना बड़ा आसान नहीं है, दुर्लभ कहा जाए तो गलत नहीं है। एक आह्लाद, एक प्रसन्नता का जो चिन्ह है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, वो भी बेहद प्रसन्न चित्त होते हैं। एक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रधानमंत्री को अपने समर्थकों के बीच में, अपने प्रशंसकों के बीच में पाकर किसी भी नेता को जरूर ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जास्वित होगा वो ऐसे प्रदर्शन से, ऐसे प्रेम पाकर, ऐसा समर्थन पाकर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन समर्थन की बात होती है, उनकी लोकप्रियता की बात होती है, तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी, और वहां पर उनका स्वागत करने के लिए उमड़े लोग, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़क के दोनों ओर उमड़े हैं, और एक अच्छी खासी मशक्कत जो है वो करनी पड़ रही है सुरक्षा बलों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त भीड़, मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है काशी का आसमान। तो अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं और लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। जब उनका काफिला एयरपोर्ट से निकला काशी की सड़कों पर, तो ये जो नजारा है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का लोगों ने भव्य स्वागत किया है। आज प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त दौरा रहा। आज वो पश्चिम बंगाल में रहे, सिलीगुड़ी में रहे, जहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी उन्होंने सिलीगुड़ी को और पश्चिम बंगाल को। उसके बाद वो पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहे, असम गए, अरुणाचल प्रदेश गए, और वहां पर भी उन्होंने 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और इसी तरह से अगर काशी की बात कही जाए, जहां के वो सांसद हैं, तो
तो काशी की दशा और दिशा बदल कर रख दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में। जो कोई व्यक्ति 7, 8 या 10 वर्ष पहले काशी गया होगा और वो आज जब काशी जाएगा तो उसकी सूरत, उसकी तस्वीर देखकर वो उसको शायद पहचान ही ना सके। जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हुआ है वो अभूतपूर्व है। काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो अभूतपूर्व है। काशी में तमाम जो विकास की योजनाएं हैं वो सिर चढ़कर बोल रही हैं, ये अभूतपूर्व है। और यही वजह है कि काशी के लोग ये जो प्रेम दर्शा रहे हैं, ये जो प्रेम बरसा रहे हैं अपने नेता के प्रति, तो वो काफ़ी स्वाभाविक है। आप देख रहे होंगे कि इस भीड़ में जो युवा हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है और युवा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित है। और इसी तरह से जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, वो भी बड़ी संख्या में काशी के सड़कों पर उमड़ी हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और इसकी खास वजह है कि चाहे वो युवा हों और चाहे नारी शक्ति हो, प्रधानमंत्री का विशेष फोकस रहा है इनके लिए। और प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि चाहे वो युवा हों, चाहे गरीब हों, चाहे वंचित हों, चाहे महिलाओं हों, वो उनका परिवार है, तो एक परिवार की नई परिभाषा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनका कहना है कि 140 करोड़ भारतीय ही हमारा परिवार है। और ऐसे में जब वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुँचे हैं तो लोग ज़बरदस्त उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये जो प्रसन्न चित्त आह्लादित चेहरा देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो भी कितने स्वयं आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि इस जनता के समर्थन से किसी भी नेता को ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़रूर मिल रही होगी। तो प्रधानमंत्री का जो काशी दौरा है वो हर बार किसी न किसी माने में विशेष होता है, ख़ास होता है। और काशी के जो लोग हैं वो उनसे जो उनका जो जुड़ाव हुआ है पिछले 10 वर्षों में वो भी अभूतपूर्व है, देखने लायक है, समझने लायक है। क्योंकि जिस तरह से जितना प्यार, जितना सहकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जितना समर्थन काशी की जनता ने दिया है, वो उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट भी करते हैं, उसी हिसाब से जो तमाम योजनाएँ हैं वो काशी में दी गई हैं। और पिछले 10 वर्षों में काशी किस तरह से उसकी तस्वीर बदल गई है ये देखने लायक है। और यही वजह है कि जब उनके प्रिय नेता, जब उनके प्रधानमंत्री, उनके अपने सांसद उनके बीच में पहुंचते हैं तो एक अपनत्व, एक जुड़ाव, जो समर्थन है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। ये भावनाएं हैं और किसी भी नेता के लिए इससे बड़ी थाती और हो नहीं सकती जो उनके लोगों का प्यार, लोगों का समर्थन, लोगों का विश्वास पाना। और आज एक आइकन, एक मॉडल बनकर उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन नेताओं के लिए कि कैसे जनता का समर्थन प्राप्त किया जाए, कैसे उनके लिए कार्य किया जाए, कैसे उनके सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। और जब संकल्पों को सिद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति अपना जीवन खपा देता है तो उसको जो जन समर्थन मिलता है
वो ऐसे ही होता है। देखिए फूलों के साथ, फूलों के इसकी बारिश करते हुए प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर एक नज़र, एक झलक प्रधानमंत्री की पाना चाहते हैं। तस्वीरें देखिए, ये शोर सुनिए, महसूस कीजिए उस उन भावनाओं को और उन दृश्यों को समझिए जो वहां की अभी जो भावनाएं हैं लोगों की और प्रधानमंत्री के बीच का जो रिश्ता है वो शायद ये तस्वीरें बता रही हैं। देखिए बड़ी संख्या में महिला शक्ति ये जो मोदी मोदी के नारों के साथ में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, काशी पहुंचने पर उनका स्वागत है, अपने सांसद का स्वागत है, प्रधानमंत्री का स्वागत है, ये बताने में, ये दिखाने में, ये जाहिर करने के लिए किस तरह से सड़क के किनारे जुटे हुए हैं लोग। अपने आप को प्रधानमंत्री के साथ जोड़ पा रहे हैं काशी के लोग, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि जिस तरह से काशी का अभूतपूर्व विकास हुआ है, खास तौर पर जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, जिस तरह से घाटों की काया पलट हुई है, जिस तरह से सकरी गलियों को चौड़ी सड़कों में तब्दील किया गया है, जिस तरह से विकास की जो परियोजनाएं हैं तमाम वो सिर चढ़कर बोल रही हैं, किस तरह से हर घर को बिजली मिली है, हर हाथ को काम मिला है, हर घर में नल से जल पहुंचा है, और जो तमाम योजनाएं हैं जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुँच रही हैं, वो काशी में भी लोगों का सपना साकार कर रही है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये उस पूरी कहानी को बयां करती हैं कि किस तरह से जब नेता प्रतिबद्ध होते हैं अपने कार्य करने के लिए, संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाते हैं और आम जन के लिए तन मन धन से जुटकर काम करते हैं, तो उसकी परिणति यही प्यार, यही समर्थन होता है। और वो प्यार, वो समर्थन, वो सहकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी की जनता दे रही है। इन दृश्यों को देखकर शायद कोई भी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता रश कर सकता है, ईर्ष्या कर सकता है, क्योंकि ये इस तरह का समर्थन, इस तरह का प्यार सभी को हासिल नहीं होता। कि आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जनता टूटी पड़ रही है एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की, और दोनों हाथ उठाकर, कोई हाथ जोड़कर, कोई हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करता हुआ, अपने आप को उनसे जोड़ता हुआ जब एक बार जिसकी भी नजरें मिलती हैं प्रधानमंत्री से, तो वो उनका कायल होता है। उसको लगता है कि जो उसका स्वागत के लिए वो यहाँ तक पहुँचा है, वो मकसद जो है उसका वो पूरा हुआ।
पिछले 10 वर्षों में काशी ने विकास के तमाम नए नए प्रतिमान गढ़े हैं, जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे पूरे शहर में आमूल चूल परिवर्तन की बात हो। आप एयरपोर्ट देख लें, आप वहाँ का रेलवे स्टेशन देख लें, बस स्टेशन देख लें, या फिर सड़कें देख लें, किस तरह से उनमें बदलाव आया है, किस तरह से वो बेहतर हुए हैं और किस मायने में बेहतर हुए हैं, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि जो आम लोग हैं वो प्रधानमंत्री को अपने साथ जोड़कर देख पाते हैं। जिसने काशी की सुध ली, उसकी सुध आम लोग ले रहे हैं। तो ये काशी जो तमाम संस्कृतियों के संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, काशी जो कि कहा जाता है कि भोले बाबा शिव शंकर के त्रिशूल पर ये नगरी बसी हुई है और पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगर है ये, तो ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनका एक अनोखा भाव है और हर चीज़ जो है उनकी अनोखी होती है, तो उनका जो प्यार है, जो समर्पण है, वो भी अनोखा है। ऐसा कहा जाता है कि देश भर की जो तमाम संस्कृतियां हैं वो एकाकार होकर काशी में रच बस जाती हैं। और जब संस्कृतियों के मिलन की बात हो रही है तो काशी तमिल संगमम से लेकर के जो विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण है, वो तमाम ऐसे कार्य हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि काशी में सब कुछ उपलब्ध है, काशी की गलियों में मिनी भारत का दर्शन सुगम हो जाता है और काशी अब विकास का प्रतीक बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और पूरे देश में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का संदेश दे रही है। काशी विशेष है क्योंकि इसको विशेष बनाया है, इसके लिए प्राणपण से प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री यहाँ से पहली बार चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ माँ गंगा ने बुलाया है और एक विशेष मकसद से बुलाया है। शायद आज ये देखकर लग रहा है कि वो मकसद विकास का था और सिर्फ जो भौतिक विकास है उसी का नहीं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क, नाली, पानी, बिजली, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो तो पूरी हुई हैं, उनका उन्नयन हुआ है, उनका विकास हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक, धार्मिक विकास, संस्कृतियों को पुनर्प्रतिष्ठापित करना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और बनारस के सांसद के तौर पर, काशी के सांसद के तौर पर अपनी यात्रा की शुरुआत में ही 2014 में ही अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम के तक भक्तों की राह को सुगम करने के लिए एक खाका बनाया, एक तस्वीर खींची, एक संकल्प लिया और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया। अकल्पनीय और अविश्वसनीय प्रकल्प जब लोकार्पित हुआ सन 2021 में, अब से लगभग 2-2.5 वर्ष पहले, तो देश भर में धार्मिक चेतना जो है वो जागृत हो गई, झंकृत हो गई तो कहना गलत नहीं होगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो नव भव्य स्वरूप देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी और सनातन संस्कृति के नाम सबसे बड़ा अनुष्ठान कहा जा सकता है और उस अनुष्ठान के प्रणेता, उसके वाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे जाएं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो विकास के ये जो नए प्रतिमान गढ़े गए हैं, जब मैं कहता हूँ विकास, तो विकास सिर्फ भौतिक नहीं है, सिर्फ सड़क, नाली, बिजली का विकास नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठापित करना, आध्यात्मिक विकास,
और आध्यात्मिक उन्नयन, जिस तरह से काशी पूरे देश दुनिया को आज संदेश देने की स्थिति में हुई है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यानी काशी से आध्यात्म का भी संदेश जा रहा है, महादेवादिदेव महादेव की नगरी से संस्कृति का पुनर्स्थापन हुआ है और विकास का संदेश भी पूरे देश में जा रहा है कि विकास का मॉडल कैसा हो। तो वो देखना हो आपको तो आप काशी चले आइए। मुझे यकीन है कि जो 10 वर्ष पहले जिसने काशी को देखा होगा, आज उसका जो स्वरूप है, जो बदला हुआ नज़ारा है, वो देखकर चमत्कृत रह जाएगा। पहले बनारस की पहचान गलियों के देश के रूप में होती थी और जब 2024 तक यहाँ रिंग रोड 3 चरण में आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो बनारस शहर के बाहर पूर्वांचल के जिले और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कोलकाता तक बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। कनेक्टिविटी पर इस सरकार ने विशेष काम किया है और वो हर शहर में दिखाई देती है। ये जो सड़कें हैं काशी की, ये इतनी सुगम इससे पहले नहीं थी, पथ इतने आसान नहीं थे। तो न सिर्फ गड्ढों को भरा है बल्कि विकास की राह पर इन्हीं सुगम पथों पर सरपट दौड़ रहा है काशी। तो आप देख सकते हैं ये जो डमरू है, ये काशी की विशेष पहचान है और लोग जो है वो डमरू लेकर भी पहुंचे हैं। साधु संन्यासियों का देश भी कहा जाता है काशी, और ऐसी में हर किसी ने, काशी के हर एक व्यक्ति ने अपने आप को जोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये विहंगम दृश्य देखिए, किस तरह से सड़क के दोनों ओर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उमड़े हैं। और अगर मैं जो 10-12 वर्ष पहले काशी लोग आ चुके हैं, शायद ऐसी चौड़ी सड़कें, इतनी साफ सुथरी काशी की परिकल्पना, उसकी कल्पना लोगों ने की भी नहीं होगी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ढोल बाजे गाजे ताशे डमरू के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए आम लोग, आम जनता पहुंची है।
को अपने सांसद, अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर है। शहनाई बजने की आवाज आप सुन सकते हैं और नगाड़ों की धुन तो काफी साफ तौर पर सुनी जा सकती है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं काशी के इन दृश्यों के साथ। शैलेंद्र, ये जो भीड़ उमड़ी है, ये जो प्रधानमंत्री का जन समर्थन जो प्रधानमंत्री को मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री को जो आत्मीयता मिल रही है, जो प्यार मिल रहा है, कैसे परिभाषित करेंगे इसको? ये देखिए निखिल, इस वक्त आप देखें जो काशी में जो मुख्य शहर के जो रास्ते हैं चौराहे हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजर रहा है। और ये उत्साह इस तरह इसलिए और ज्यादा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का, लोकसभा उम्मीदवारी का काशी से ऐलान किया है। और जानते हैं कि उसके बाद आप देखें कि एयरपोर्ट से लेकर जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, तकरीबन 40 जगहों पर विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और काशी की आम जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और इसमें हर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, जो युवा हैं और बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो उत्साह का कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा उम्मीदवारी का काशी से ऐलान हुआ है। और ऐसे में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उनके नाम का ऐलान किया है। उसके बाद पहली बार काशी आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र, तो निश्चित तौर पर ये उत्साह और दुगना हो जाता है। और सड़क के आप दोनों तरफ देखें तो जिस तरह से हाथ हिलाकर अभिनंदन काशी की जनता कर रही है, ये उत्साह दिखाता है। हमने तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से बात की कि जो नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, यानी एनडीए 400 पार का जो लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रही है लोकसभा चुनाव में, उसमें उत्तर प्रदेश में यूपी में 80-80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सहयोगियों के साथ रखा है। और उसलिए एक एक सीट पर हमने देखा है कि बीजेपी ने एक रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, तमाम सहयोगी दलों के साथ लाए हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं तो ये उत्साह। शैलेंद्र, ये मैं आपको थोड़ी देर रोक कर ये बताना चाहूंगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में, उस धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले देवादिदेव शंकर महादेव को काशी विश्वनाथ की नगरी में, भगवान विश्वनाथ को, भोले बाबा को सिर नवाने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शैलेंद्र, जब हम प्रधानमंत्री की किसी यात्रा को देखते हैं, और अब से नहीं पिछले 10 वर्षों देख रहे हैं, आध्यात्मिकता धार्मिकता वो जरूर जुड़ी होती है, तो विकास के कई मायने हैं, यानी भौतिक विकास ही नहीं आध्यात्मिक और धार्मिक विकास की भी बात होती है। देखिए निखिल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विकास यात्रा की बात करते हैं, हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और न केवल हम आर्थिक तौर पर देखें, बुनियादी ढांचा जो हमने देखा, बदलाव देखने को मिल रहा है, एक ऐतिहासिक चाहे वो पुलों का निर्माण हो या फिर रेलवे लाइन नेटवर्क का विस्तार हो, वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एक आध्यात्मिक विकास की यात्रा है वो दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने काशी आए थे, उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। हमने देखा कि किस तरह से ये स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाकर जो घाटों की सफाई का काम 2014 के बाद आगे बढ़ाया गया था, और आज काशी के घाट किस तरह से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं वो दृश्य हम अक्सर देखते हैं। और आज अब इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पहुंचे हुए हैं। और ये देखें, इसका जब एक तरह से देखें कायाकल्प हुआ था तो वो तस्वीरें सबने देखी थी। आज आप कितने आसानी से गंगा नदी में स्नान करके आप काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो अभिभूत हो जाते हैं और उन दिनों को याद करते हैं कि जब किस तरह से एक कठिनाई का सामना करना पड़ता था दर्शन करने के लिए, और आज इतने भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये एक जो भारत की गौरवशाली संस्कृति रही है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ आप काशी की ही बात ना करें, हम जानते हैं कि 22 जनवरी को जो भव्य
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था और जी। हमने देखा कि दुनिया भर ने देखा कि किस तरह से शताब्दियों से जो इंतजार था वो खत्म हुआ था। इसके साथ ही साथ आप देखें कि जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं जितना संभव हो सकता है वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत हो, वहाँ की जो आध्यात्मिक विरासत हो जी, वो उस पर बिल्कुल शैलेंद्र, काशी तो उनका संसदीय क्षेत्र है, जब काशी उनका संसदीय क्षेत्र है तो ये फोकस जो काशी पे है वो विशेष रहने की बात बहुत वाजिब है। और काशी भी अपने आप में अनोखी है, अद्भुत है, भगवान शिव शंकर की नगरी है, सबसे प्राचीन नगरी है, तमाम संस्कृतियों का कहते हैं कि यहाँ मिलन होता है। तो ऐसे में अगर पिछले 10 वर्षों में काशी के विकास के प्रतिमान जो कई गढ़े हैं, अगर उसकी चर्चा हम आपसे करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को कि पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ बदला है काशी में, कैसे बदली है काशी? निखिल देखिए, काशी के विकास को अगर देखें तो भारत का विकास किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसकी एक मिसाल काशी में दिखाई देती है, जहां विकास में सभी को साथ लेकर चलकर आगे बढ़ा जा रहा है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की जा रही है। काशी के बुनकर हो, किस तरह से उनको बड़ा बाजार मिले, किस तरह से काशी के जो खिलौने बनाने वाले लोग हों, लकड़ी के खिलौने यहाँ बनते हैं, उनको बड़ा बाजार मिले, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार है, दस्तकार है, उनको पहचान मिले, उसके लिए काम हुआ है। उसके साथ ही साथ आर्थिक जो बुनियादी ढांचा है उसका एक पूरा कायाकल्प आप काशी जो दुनिया की सबसे पुरातन नगरी है वहां पर देखते हैं। सड़कें चौड़ी हुई है, जो भूमिगत केबल हुई है, हम बिजली के तार लटके पाते थे, घाटी आप घाटों पर जाएं तो आप देखें कि वहां पर साफ सफाई अब बहुत बेहतर हुई है, काशी के घाट आप पूरी तरह से बदले नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखें जो काशी की जो सांस्कृतिक पहचान रही है उसको निखारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया गया और आप इस वक्त इस परिसर को ही देख रहे हैं कि किस तरह से अद्भुत दृश्य डीडी न्यूज के जरिए देश और दुनिया के दर्शक देख रहे हैं। तो काशी में आर्थिक विकास को तो गति दिया ही गया है, काशी के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया गया है, काशी में हम देखते हैं कि तमाम रेलवे नई गाड़ियों का सबकी सौगात काशी की जनता को मिली है। आप काशी में देखें तो वहाँ परिवहन के साधन बेहतर हुए हैं। इसके साथ ही साथ काशी आने जाने के जो तमाम मार्ग है, वो सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो या हवाई मार्ग हो, उसको बेहतर बनाने की शुरुआत हुई है और काशी के आसपास के इलाके जो दर्शनीय स्थल है उनको वहां पर विकास किया गया है और वो इससे दिखता है। लेकिन इसके साथ ही साथ काशी में स्थानीय दस्तकारों और स्थानीय जो कलाकार हैं उनके विकास की तो चिंता की गई है। आप देखिए काशी से थोड़ी दूर पर जो सब्जी का उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है वहाँ किस तरह से जो काशी की सब्जियां हैं वो आज दुनिया में निर्यात की जा रही है, काशी से आम एपीडा के माध्यम से दुनिया में जा रहा है। तो काशी के मॉडल के जरिए भारत किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसकी एक झलक आप वाराणसी में देखते हैं, जहाँ सिर्फ बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास पर फोकस नहीं है, जहाँ पर सामाजिक तौर पर किस तरह से अलग अलग समूहों को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से उनके उत्थान और उनके मजबूत होने पर काम किया जा सकता है, उस पर भी आप एक झलक उसकी काशी में देखते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉडल है, जहाँ पर जहाँ एक तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ तरफ नए हाईवे का निर्माण है, जहाँ नई रेल लाइन का निर्माण है, नई नई रेलगाड़ियों की शुरुआत है, तो वही दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक जो स्थान है उनके उनकी पहचान को और मजबूत करना है, स्थानीय दस्तकारों की चिंता है, स्थानीय लोगों की चिंता है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक जिला एक उत्पाद की जो योजना है किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया है और उसको आगे बढ़ाते हुए हर रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को आगे बढ़ाने की तरफ सोचा गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विकास में अधिकतम जो चिंता है वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जाए और किस तरह से स्थानीय पहचान को मजबूती देते हुए स्थानीय संस्कृति या भारत की संस्कृति को सहेजते हुए लोगों का साथ लेते हुए विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए, इसे हम समग्र विकास कहते हैं, सबका विकास कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से सबका विकास कहते हैं, उस अवधारणा को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है काफी उसके एक मॉडल के तौर पर उभरी है और दुनिया देख रही है। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गर्भगृह में पहुंचकर पूजा करते हुए, साथ में उनके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना प्रारंभ है। अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे विष्णु पदे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू द्वीपे
भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजिते असी वरुणयोर मध्ये कल्याणार्थं देशेस्मिन् सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थं समस्त भारतीयानां धर्मबुद्धि लाभार्थं कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षयद्वारा धर्मार्थ काममोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थं श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव प्रीत्यर्थं विशेषतः आगामिनि निर्वाचने श्री काशी विश्वनाथ कृपा अनुग्रह द्वारा विजयश्री प्राप्य पुनश्च देशस्य प्राधान्यपद कामनया श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ यथाविधि पूजनम करिष्ये। आचमनम ओम केशवाय ओम नारायणाय नमः। शैलेंद्र, आप देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ की, भगवान विश्वनाथ की पूजा करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त। किस तरह से ये जो एसोसिएशन है इसको देखते हैं? आपने कहा कि टिकट पाने के बाद, जिसको कहते हैं कि यहाँ का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार पहुँचे हैं प्रधानमंत्री, तीसरी बार निर्वाचित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है और ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उनका एसोसिएशन है काशी के साथ और जो विश्वनाथ इस मंदिर के साथ में, जो भगवान विश्वनाथ के साथ में, वो भी अभूतपूर्व है, क्या कहेंगे आप? निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवभक्त है, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतक ये प्रयास करते हैं कि जहां पर जहां संभव हो सके वो शिव मंदिरों में जाते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में जब भी वो आते हैं अक्सर ये कोशिश करते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, और खासतौर पर जब शिवरात्रि, हम जानते हैं कि शिवरात्रि के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर काशी की जो सांस्कृतिक पहचान है, बाबा भोले की जो नगरी है, और जब भी यहाँ पर किसी का अभिनंदन किया जाता है, हर हर महादेव के नारे लगते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शिवभक्त के तौर पर हम देखते हैं कि अक्सर आप दुनिया देखती है तस्वीरों में जब वो शिव के, भगवान बाबा भोले के दर्शन और उनके पूजन अर्चन करते दिखाई देते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उनके नाम को घोषित किया है और जैसे ही उन्हें समय मिला वो अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं, अपने व्यस्त दौरे के बाद आज काशी पहुंचे हैं और सबसे पहले एयरपोर्ट से हमने देखा कि 28 किलोमीटर से लंबा रास्ता जहां पर भव्य स्वागत अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी की आम जनता के द्वारा किया गया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हैं, बाबा भोले बाबा विश्वनाथ का की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले भी हमने देखा कि देश भर में कई जगहों पर जब वो मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं ये उनकी आस्था को भी दिखाता है और ये तस्वीरें एक तरह से भी दिखाती है कि जो काशी की पहचान है, बाबा भोले की जो नगरी है, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है तो बाबा भोले के दरबार जरूर आते हैं। जी निश्चित तौर पर, और ये जो तस्वीरें हैं वास्तव में अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, जो आपने आध्यात्मिकता और धार्मिकता की बात कही, वो ये देखिए किस तरह से जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री, रुद्राभिषेक की ये जो प्रक्रिया है उसमें जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुण उतव ब्रूहु सुमंगला जे चैन गो रुद्रा अभितो दिक्षुषिता वैखा गुहे डई महे असौ यो वसर्पतिनी लग्रीव विलोहिता उत्र जातिना नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्ष दुगे अथो जे अस्य सत्वानो हन्ते वैखवे नमः बाहुभ्याम् नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकासिनी तयान तन्वा गिरिशंका सुमना असता अध्यवो चदधिवक्ता प्रथमो
विगग अहिंच सर्वांजं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धराची परासुवा अरुणौ तव ब्रूः सुमङ्गला जे चैन गो रुद्रा अभितो दिक्षुषिता वैखा गुहे डहीमहे असौ योव सर्वदिनी लग्रीवो विलोहितः उद्रजातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्रा दुगे अथो जे अस्य सत्वानो हन्ते वैखवे नमः बाहुभ्याम् तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अभूतपूर्व हैं शैलेंद्र, जब हम बात करते हैं बीते एक दशक में जिस तरह से और ख़ास तौर पर बीते कुछ वर्षों में, दो वर्षों में काशी तमिल संगमम उत्तर दक्षिण के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने का सेतु बना, तो सांसद सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता ने हर आयु वर्ग को कला मेधा के साथ में जोड़ा, तो प्रधानमंत्री ने जो आप कहते हैं कि पंक्ति में खड़े हर आदमी का ध्यान दिया और संवेदनशीलता जो है वो उनकी एक बड़ी थाती रही है, और जब कोई राजनेता संवेदनशील होता है तो वह ऐसे विषयों को जरूर न सिर्फ भांप लेता है, जान पाता है, बल्कि उसके लिए काम करता है, और काशी के लोग शायद इस मायने में मैं कहूंगा कि भाग्यशाली हैं कि उनको प्रधानमंत्री जैसा सांसद मिला है। निश्चित तौर पर काशी सिर्फ अपने सांसद को नहीं चुनती, अपने प्रधानमंत्री को भी चुनती है, और ये सौभाग्य काशी की जनता को हम देख रहे हैं कि पिछली दो बार से मिलता रहा है और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर काशी में उनका नाम बीजेपी ने घोषित किया है। देखिए ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हमारी सनातन परंपरा क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, ये दिखाता है कि हम दुनिया के कल्याण की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि सबका विकास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, सबको साथ लेकर सबका विकास होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमारी सनातन परंपरा भी ये कहती है कि सभी का कल्याण हो, तो भारतीय परंपरा हमेशा रही है जो सभी के कल्याण की कामना करती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेवक के तौर पर लगातार इस बात को कहते हैं कि समाज के वंचित व्यक्ति की चिंता सरकार करती है, तमाम उन योजनाओं के जरिए हम देख रहे हैं कि आज उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया गया। थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा, ये जो इस वक्त जलाभिषेक हो रहा है ये हमारे दर्शक इसको देख सके। पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तो यद्विगीमदे पदीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो वारिवकृताय औखदीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे पाणिजाय कक्षाणां पतये चैर्घोघाया क्रन्दयते पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते व्याधिन अव्याधिनीनां पदये नमो नमो श्रिकायिभ्यो जुगाकुर्सतो मुष्टतां पदये नमो नमः स्ववद्भ्यो जाग्रद्वच्चवो नमो नमः सयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्वच्चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो गृद्धिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य चवो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भवा चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा
विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेवसम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिम प्रयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्ताहो खादे खानीता जस्मै चत्वा सद्बचवो नमो नमः स्वद्भ्यो जाग्रद्बचवो नमो नमः सयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्भ्य चवो नमो नमः सभाभ्य सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनिभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य चवो नमो नमो गृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भवा चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवसम् ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् प्रयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्ताहो खादे खानीता जस्मै चत्वा सद्बचवो नमो नमः स्वद्भ्यो जाग्रद्बचवो नमो नमः सयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्भ्य चवो नमो नमः सभाभ्य सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनिभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जदा वदनन्दाक्षायणाहिरण्यगुंसतानीकाय सुमनस्यमानाः मा आवदनामि शतशारदाय जरदस्थिर्जथा सां मा येन बद्धो बली राजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चिन्तितमनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्रीविश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जदा वदनन्दाक्षायणाहिर यगुंसतानीकाय सुमनस्यमानाः मा आवदनामि शतशारदाय जरदस्थिर्जथा सां मा येन बद्धो बली राजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा
चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः सत्या संतु यजमानस्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विविध तरह से जो पूजा है भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान विश्वनाथ की रुद्राभिषेक करते हुए और उसके बाद जो अर्चना है प्रभु की वो करते हुए यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम जब बात पूर्वांचल की राजनीति की बात करते हैं तो कभी काशी की जब बात होती थी तो जो सारा राजनीति का केंद्र था वो काशी हुआ करता था, लेकिन पिछड़ापन भी उसकी सियासत का एक बड़ी बात रहा करती थी। निखिल, देखिए, मैं आपके सवाल का उत्तर देने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारी जो सनातन परंपरा रही है, जो भारतीय परंपरा रही है, जो सिर्फ मानवता के कल्याण की बात नहीं करती, जीव जंतु पशु पक्षी यानी पूरे वायुमंडल के हर जीवों के कल्याण की, हम सिर्फ देश के कल्याण की बात नहीं करते, हम दुनिया के कल्याण की बात करते हैं और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहते हैं। निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया, हमने देखा है कि बीजेपी ये आरोप लगाती रही। आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, ये एक नई तस्वीर जो है ये हमारे सामने आई है, त्रिशूल धारण किया कुछ क्षणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ भी देखिए, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और ये एक योगी के स्वरूप में, योगी आदित्यनाथ हालांकि उनके बगल में खड़े हुए हैं, लेकिन जो शिव भक्त के रूप में, ये देखिए, ये तस्वीरें अद्भुत हैं। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद भगवान विश्वनाथ की, और यहाँ पर देखिए जो भक्त जुटे हुए थे वो भी मोदी मोदी के नारे से, ये पूरा जो वातावरण है काशी विश्वनाथ का ये गुंजायमान हो उठा है। तो ये निश्चित तौर पर तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बयां करती हैं कि औढ़रदानी शिवशंकर भोलेनाथ जैसे देव हों, देवाधिदेव शंकर हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शिव भक्त हो, तो ये जो छटा है, ये जो मुहूर्त है, ये और स्थान विशेष हो जाता है। यहाँ भी जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आप सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किस तरह से सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ये जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, उसकी बात कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। जी देखिए निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और चारों तरफ आप जो यहाँ भक्तगण आए हुए हैं, जो श्रद्धालु आए हुए हैं, वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और हम सब जानते हैं कि जब भगवान शिव की बात होती है, शिव सबके हैं, वो सभी की चिंता करते हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जब जो उनके शरण में जाता है वो उसका जो कष्ट है वो निवारण करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सोच भी यही है कि कर्ता करे सो कर सके, कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और तीन गुण नवखंड में शिव से बड़ा न कोई। तो शिव की महिमा तो अपरंपार है, उनकी चर्चा करेंगे अगर आज हम, तो शायद ये कार्यक्रम हमको बढ़ाना पड़ेगा शैलेंद्र। लेकिन शिव के साथ वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एसोसिएशन है और जिस तरह से काशी की जनता उसको लेती है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। निखिल, वही बात मैं कह रहा था कि एक शिव भक्त के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र सरकार है वो देखिए, वो सबकी चिंता करती है। तमाम 2014 के बाद आप उन योजनाओं को देखें किस तरह से वंचित तबके को एक सहारा दिया गया है। आज हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी
हेल्थ योजना भारत में चल रही है, जिसमें आप 50 करोड़ से अधिक लोगों को आप देखते हैं कि एक हेल्थ कवर मिला है, जिसमें वो अपने इलाज की चिंता उन्हें नहीं करनी पड़ती। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन कोरोना के बाद से दिया जा रहा है और दुनिया अचंभित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने इतने वर्षों से इस सफलतापूर्वक इस योजना को न केवल क्रियान्वित किया है बल्कि जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया है कि वो एक शानदार योजना के तौर पर लोगों को राहत के तौर पर काम आए और उसे 5 वर्ष और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही आप देखें कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे खाते में पैसा, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर मनरेगा का पैसा हो या तमाम पेंशन योजनाएं हो या लाभार्थी योजनाएं हो, उनका पैसा खाते में पहुंच रहा है। इसे पारदर्शिता की एक मिसाल के तौर पर दुनिया देख रही है। डिजिटल इकोनॉमी आप देखें कि डिजिटल क्रांति जो भारत ने 2014 के बाद देखी है, ये अभूतपूर्व है। दुनिया के विकसित देश भी हमसे सीख रहे हैं कि भारत ने किस तरह से UPI और डिजिटल क्रांति की है। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर काम हुआ है। जिस महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला दिवस कल ही था, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने 300 रुपए की जो राहत उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारियों को सब्सिडी के तौर पर दी जाती थी, 100 रुपये कटौती सभी LPG जो रसोई उपभोक्ता है उनके लिए की है, महिलाओं को एक राहत दी है। लेकिन महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाया गया है, उसकी मिसाल बीते 70 वर्षों में नहीं मिलती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देखने को मिल रहा है। लखपति दीदी आप देख रहे हैं कि हर ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को कितना मजबूत बनाया गया है। तमाम योजनाओं में, मुद्रा जैसी योजना हो या स्टैंडअप जैसी योजना हो, महिलाओं को उनके तरह से देखें, उनके सशक्तिकरण पर इन योजनाओं के जरिए बहुत ध्यान दिया गया है। एक क्रांतिकारी बदलाव, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देखते हैं, आपने देखा कि सैनिक स्कूलों में किस तरह से लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसमें एडमिशन में छूट दी गई, उसमें अनुमति दी गई, इस तरह के तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे आधी आबादी को एक समर्थन मिलता है, उनको मजबूती मिलती है, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ कोरोना की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटते हुए दुनिया को भारत ने दिखाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से उच्च ग्रोथ हासिल की जा सकती है। हमने देखा है कि बीते 2 क्वार्टर में आप देखें कि दुनिया के सबसे तेजी से विकास करते हुए देश के तौर पर भारत उभरा है और उम्मीद यही है, दुनिया भर की जो एजेंसियां जता रही हैं कि भारत और तेजी से आगे विकास करेगा और 2047 तक जो लक्ष्य है उससे पहले ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, एक शिव भक्त के तौर पर भी आप देखें कि वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हैं, एक भारतीय परंपरा के एक वाहक के तौर पर भी देखें कि वो सबकी चिंता करते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं, सबके प्रयास के साथ सभी को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं और काशी उसका एक उदाहरण है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में है, अपने संसदीय क्षेत्र में है, हम जानते हैं कि BJP ने उन्हें फिर से काशी में लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है। काशी की जनता में एक अभूतपूर्व उत्साह आपने जब उनका काफिला गुजर रहा था तब देखा और अब मंदिर परिसर से जब वो पूजा करके जब मंदिर में बाहर आए तो आप दोनों तरफ जो भक्त दिख रहे हैं, जो शिव भक्त दिख रहे हैं, जो श्रद्धालु दिख रहे हैं, वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें दिखाती हैं कि कितना गहरा कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से है, कितना देश के लोगों से है। और ये इस तरह हम तस्वीरें देखते हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं इस तरह से लोगों का प्रेम उमड़ पड़ता है और खासतौर पर जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं तब ये एक संबंध देखने लायक होता है। एक नेता का अपने लोगों से, अपने मतदाताओं से जो एक संपर्क है वो देखने लायक होता है, वो प्यार देखने लायक होता है, अपने नेता से उम्मीदें देखने लायक होती है, अपने नेता से भरोसा देखने लायक होता है, अपने नेता के प्रति विश्वास देखने लायक होता है कि जनता को लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, जनता को लगता है कि देश एक ऐसे नेता के हाथों में है जो दुनिया की चिंता करता है और भारत को सबसे आगे ले जाने की चिंता करता है और न सिर्फ चिंता करता है बल्कि ऐसी ऐसी योजनाओं के जरिए सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाया जाता है कि आज भारत इतनी मजबूत स्थिति में खड़ा है कि दुनिया के तमाम देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अभूतपूर्व अकल्पनीय बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखा है, भारतीयों के सोच में दिखा है और वो परिलक्षित होता है तमाम योजनाओं में और लोगों की सोच में भी। तो निश्चित तौर पर हम इन तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट करते हैं देशवासियों से, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से। और निश्चित तौर पर जब से उनके नाम का ऐलान फिर से हुआ है काशी में लोकसभा उम्मीद
उम्मीदवारी के तौर पर, तब से हम देख रहे हैं कि काशी में एक विशेष तौर पर उत्साह है। काशी की जनता ने ये लगता है कि प्रण किया हुआ है कि 2014 और 2019 के मुकाबले उससे भी ज्यादा मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में भेजना है। और हमने देखा कि यहाँ लोग इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ से जीत कर जाएंगे ही, 400 पार कैसे होगा, बीजेपी 370 से ऊपर कैसे जाएगी, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो वो एक यहाँ काशी से जो संदेश निकल रहा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में और पूरे देश में उसका एक संदेश जा रहा है। निश्चित तौर पर काशी उसके उसके एक बड़े प्रतिमान के तौर पर, एक बड़े संदेशवाहक के तौर पर इस वक्त एक आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, जब हम पूर्वांचल की सियासत की बात आपसे कर रहे थे, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि एक वक्त था जब पूर्वांचल की राजनीति की बात करते थे तो कभी गोबर से गेहूं निकालकर खाने वालों की बात प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने कहकर विश्वनाथ सिंह गहमरी संसद में रो पड़े थे। और आज जो ये रहा है, और उसके बाद दशकों तक जो पूर्वांचल की राजनीति आप बेहतर जानते हैं कि उसका केंद्र काशी रही है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ के पिछड़ापन जो होता था वो चुनावों के केंद्र में रहता था। आज वो केंद्र, आज वो फोकस किस तरह से शिफ्ट हुआ है, अब लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं शैलेंद्र, वो किस तरह से बदली है? देखिए, तमाम उपन्यासकार हो या फिर देखें कि आज से 10 वर्ष पहले किस तरह से पूर्वांचल के पिछड़ेपन की चर्चा होती थी, किस तरह से पूर्वांचल के प्रति व्यक्ति आए कि बाकी देश के तुलना में, बाकी राज्यों के तुलना में कम है, उसकी चर्चा होती थी। लेकिन आप देखें बीते 10 वर्षों में कितनी बड़ी परियोजनाओं ने एक तरह से जमीन पर वो उतरी है। आप देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा जो एथेनॉल प्लांट है वो गोंडा में तैयार है, आप ऊर्जा गंगा परियोजना इसी वाराणसी से गुजर रही है, तमाम बड़ी आधारभूत परियोजनाएं यहाँ से एक तरह से देखें पूर्वांचल की धरती पर उनको आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप रायबरेली और हम देख रहे हैं कि गोरखपुर में नए एम्स की शुरुआत हुई है। आप देखें फर्टिलाइजर कारखाना जो दशकों से बंद पड़ा था, गोरखपुर में उसकी शुरुआत हुई है। आप वाराणसी में देखें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कितना बेहतर किया गया है, बाकी बुनियादी ढांचे की तो हम बात करते ही है। दरअसल किस तरह से काशी में जो यहाँ की जो खासियत रही है उसको मजबूती देते हुए यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाए, और उसका नतीजा है कि उसका चौतरफा असर न केवल हम काशी में पूर्वांचल में बल्कि पूरे पूर्वी भारत में, क्योंकि उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत एक तरह से पिछड़ा माना जाता था पश्चिम भारत के मुकाबले, दक्षिण भारत के मुकाबले। हमने देखा है कि वो एक रफ्तार दिखी है, आज नए नए हवाई अड्डे हो, उड़ान योजना के तहत हम देख रहे हैं कि तमाम हवाई पट्टी का विकास हुआ है, जो एक संपर्क का साधन है वो बेहतर हुआ है। उत्तर पूर्व में कई जगह पर रेलवे लाइन पहुंची है, कई जगह पर आप हवाई सफर आप कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि उत्तर पूर्व हो, पूर्वांचल हो, उत्तर भारत हो, जो इलाके पिछड़े थे, आकांक्षी जिले बलरामपुर जैसे जिलों की, श्रावस्ती जैसे जिलों की बात करें, वहां पर किस तरह से विशेष ध्यान देकर आकांक्षी जिलों में आगे बढ़ा गया है, नई रेलवे लाइन परियोजना पे काम हो रहा है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान दिया गया है कि देश का कोई इलाका विकास की यात्रा में पीछे न छूटे, और निश्चित तौर पर अब चर्चा पूर्वांचल में विकास की होती है, पूर्वांचल के तेज रफ्तार विकास की होती है, पूर्वांचल के पिछड़ेपन की नहीं। और निश्चित तौर पर आप राजनीतिक तौर पर देखें तो इसका फायदा भी हमने देखा है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे 14 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भी देख ले, उसके बाद आप 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देख ले, तो जनता ने भी एक तरह से समर्थन देकर ये जताया है कि वो चाहती है कि पूर्वांचल के विकास की रफ्तार इसी तरह से तेज होती रहे। निखिल जी निश्चित तौर पर, मैं दरअसल कह रहा था कि जो फोकस शिफ्ट हुआ है राजनीति के केंद्र बिंदु का पिछले 10 वर्षों में, उस विषय में कैसे देखते हैं आप? देखिए फोकस अब विकास की चर्चा पर हुआ है, अब एक तरह से देखें तो जातीय समीकरणों की बात कम होती है। आप देखें जब आप पूर्वांचल में आए तो वहाँ कौन सी फैक्ट्री लग रही है, कौन सी बड़ी परियोजनाओं पर काम हो रहा है, वो काम कितनी तेजी से हुआ, वो काम की रफ्तार कैसी है, इस पर चर्चा होती है। विपक्षी दल भी कोशिश करते हैं कि किसी परियोजना के पूरी होने को लेकर या फिर उसकी रफ्तार को लेकर कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करें कि जिससे सरकार पर सवाल उठाया जा सके। यानी पूरा विमर्श अब एक तरह से कहें कि विकास के इर्द गिर्द आकर ठहर गया है, और
उसमें हम देख रहे हैं कि एक कई बार ये कोशिश होती है कि पूर्व सरकारों द्वारा कि वो बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने भी ये काम किया था, लेकिन विकास की जो लकीर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में, पूर्वी भारत में, पूर्वांचल में इतनी बड़ी खींच दी गई है कि निश्चित तौर पर पूर्व की सरकारों का विकास की चर्चा कहीं नजर नहीं आती। और ऐसे में लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते 10 वर्षों में पूर्वांचल में, पूर्वी भारत में जो बदलाव दिखा है, जो विकास दिखा है, वो बीते 70 वर्षों में नहीं दिखा था। तो निश्चित तौर पर पूरा राजनीतिक विमर्श बदला है, लोगों के बीच विमर्श बदला है, लोग जो आम दिनों में बात करते हैं वो विमर्श बदला है, और यहाँ उससे एक कॉन्फिडेंस दिखता है यहाँ के युवाओं में, यहाँ के लोगों में। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस दिखा है, एक जो जो आपने कहा बदलाव है, जो विमर्श बदला है, उस विमर्श को बदलने में निश्चित तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र में सरकार और योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार, उसने इस विमर्श को बदला है। आपने जैसा कि कहा कि एक जो छोटी लकीर है उसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लकीर लंबी खींचने की ज़रूरत है, तो उस लंबी लकीर को खींच कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और NDA ने, अगर साफ तौर पर देखा जाए, तो उसने एक जो पूरा चुनावी विमर्श है उसको बदला है। अब यहाँ पर जो सियासत है वो बदली हुई है, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आम लोगों के बीच में पहुँचे हैं, भक्तों के बीच में पहुँचे हैं, और एक भक्त के तौर पर प्रधानमंत्री की जो उनका आध्यात्मिक जुड़ाव है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है, ये कहा जाएगा, और इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि जो उनका जुड़ाव है संस्कृति से, सभ्यता से, वो अपने आप में अनोखा है, और ये जो उनके कार्य हैं उसमें दिखाई पड़ता है। जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता शैलिन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री अपने व्यस्त दौरे के बाद जब उनका नाम काशी से एक बार फिर से अनाउंस हुआ है, तीसरी बार यहाँ के सांसद बनने के लिए, ये कहा जाए सीधे तौर पर उम्मीदवार के लिए, तो उसके बाद वो वक्त निकालकर यहाँ पहुँचे हैं। कल शिवरात्रि का दिन था और आज वो काशी विश्वनाथ पहुँचे हैं, विश्वनाथ बाबा को नतमस्तक हुए हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ आप जुड़े हुए थे। फिलहाल रुकेंगे दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहाँ देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हाय। ओहो पू, इतने सालों बाद कैसे याद आ गया? सबके सब बंटर एक साथ। और क्या चल रहा है आजकल? डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। यार मेरा तो तुम लोग जानते हो, जैसे तैसे कॉलेज पास किया, फिर मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग स्किल सीखी। भाई मैं तो कुश्ती करता हूँ और अब देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना है। यार मेरा दिल्ली में स्टार्टअप है। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। युवाओं ने देश का मान बढ़ाया है, NEP ने जिसे सजाया है, अपने कौशल को फैलाया है, नए रोजगार को पाया है, अमृत काल की आंधी है। ऑटोमोबाइल द पॉलिसी बाजार व अहेरो मच दिनेरो, समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमिगोस।
तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी छाछ या शरबत के प्याऊ बनाएं। आप टोपी जूते छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा। छठ से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलीडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और लोकसभा चुनावों से पहले सियासत गर्म है और जो तमाम गठबंधन हैं दोनों पक्ष के, NDA और इंडी गठबंधन, वो अपनी अपनी कवायद कर रहे हैं और NDA गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। और अब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की TDP और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ BJP के गठबंधन का ऐलान हुआ है। वहीं केरल से लेकर बिहार तक इंडी गठबंधन में टूट, अलगाव और विरोधाभास जारी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां और सियासी गुणागणित तेज कर दिया है। खास बात है कि PM मोदी की लोकप्रियता से पार पाने के लिए पिछले साल अगस्त में ही विपक्ष ने 28 दलों का गठबंधन बनाकर लड़ने की जो रणनीति बनाई थी, वह टूट, असंतोष और विरोधाभास की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये दल गठबंधन की एकता में पलीते न लगाते हों। ताजा मामला बिहार विधान परिषद के आगामी चुनावों से जुड़ा है। RJD ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। RJD ने विधान परिषद की एक सीट गठबंधन की सहयोगी CPIML को भी दी है, लेकिन कांग्रेस को दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया। उपेक्षा और अपमान से आहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को दिल्ली तलब किया है। असंतोष एक बार फिर खुलकर सतह पर आ गया। कांग्रेस की मुश्किलें यही नहीं खत्म हो रही हैं। एक के बाद एक दिग्गज नेताओं के पलायन से पार्टी का दम फूल रहा है। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी BJP में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में राहुल गांधी का नाम अमेठी को छोड़कर वायनाड से होने पर BJP ने कटाक्ष किया है। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। वहीं PM के परिवार पर सवाल खड़े कर विपक्ष ने खुद BJP को हमलावर होने और सवाल पूछने का मौका दे दिया है। बिहार के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और RJD पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। दरअसल इंडी गठबंधन अनर्गल बयानों से भी हलकान है। लालू प्रसाद यादव के बाद अब अखिलेश यादव ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने PM मोदी की तुलना हिटलर से की है। हालांकि विपक्ष के दूसरे नेता उनके बयान से किनारा करते नजर आए। As far as the Prime Minister is concerned, he is not a BJP Prime Minister. People who voted for him were 37%. But when he became the Prime Minister, he represents every Indian. 1.4 billion people of India he represents when he goes abroad also. He's our Prime Minister. बीजेपी अखिलेश यादव के बयान पर हमलावर है। अखिलेश जी के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश जी हो या लालू जी, इन्होंने तय कर लिया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जरूर करेंगे। और ये बात लगातार पिछले
दस सालों से चल रही है और अभी लालू जी ने उठाया, अब अखिलेश जी उठा रहे हैं और राहुल गांधी जी की पार्टी तो लगातार उठाती गई है, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो उनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। वहीं बीजेपी एनडीए का विस्तार कर रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ बीजेपी के गठबंधन का ऐलान हो गया है। ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन परवान चढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तमाम विरोधाभासों वाला इंडी गठबंधन लोकसभा चुनावों में एनडीए को वास्तविक चुनौती पेश कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी सियासी रिपोर्ट एक कि किस तरह से दोनों पक्ष अपनी अपनी जो कोशिशें हैं वो लगातार कर रहे हैं, और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज यही हमारा विशेष का भी विषय है। हमारा आज का विशेष है एनडीए का विस्तार, इंडी में तकरार। आज का हमारा विशेष है एनडीए का विस्तार, इंडी में तकरार, कि किस तरह से एनडीए का विस्तार हो रहा है और इंडी गठबंधन में तकरार और असंतोष जो है वो बढ़ी है। इसलिए आज का हमारा विशेष का यही विषय है, एनडीए में का विस्तार, इंडी में तकरार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, और आप कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जयराम विप्लव जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयराम विप्लव जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में अनिल बंसल जी, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, अनिल बंसल जी बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर राहुल लाल आपके साथ शुरुआत करना चाहें, आज जिस तरह से जो घटना हुई बिहार में कि तीन सीटें खुद ले ली, एक सीट माले को दे दी और कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया, किस तरह से ये जो पूरी एक लानत मलानत करने पर उतारू है जो सहयोगी दल हैं, कितना झुकेगी कांग्रेस? देखिए, इस पूरे गठबंधन में सबसे पहला तो जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति, तो मैं आपको कहूं कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल चट्टान की तरह एकता से के साथ मजबूत है। किस तरह से मजबूत है ये भी बताते चलिएगा साथ साथ। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार में जो तमाम तरह की चीजें हुई हैं, देखिए जो टीम इंडिया बनी है वो लोकसभा चुनाव के लिए बनी है, वो जो उससे इतर जो तमाम चुनाव हो रहे हैं अभी उसके लिए वो नहीं है, वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। और वहां पे बिहार के गठबंधन में टिकटों को बंटवारा को लेके, तमाम अन्य प्रकार के चीजों को लेके कोई भी किंतु परंतु की स्थिति नहीं। लेकिन आप देख लीजिए बिहार में ही, अगर देखिए जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो बिहार में दूसरे पहलू में देख लीजिए कि वहां पे एनडीए में 6-6 घटक टोटल, भारतीय जनता पार्टी सहित 6 घटक दल हो जाते हैं। अभी तक आपने कहा चट्टानी एकता के साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल में किस तरह से एकता दिख रही है, पंजाब में किस तरह से दिख रही है, बिहार का आप विस्तार तो बता ही रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं ये विधान परिषद के लिए नहीं जुड़े हुए हैं, लोकसभा के लिए जुड़ेंगे, तो केवल एक राज्य हो तो देखा जाए। आप किस तरह से, अब आप बताएंगे जो उसके जनक थे वही उनका साथ छोड़कर चले गए और उसके बाद कितने और साथी जा चुके हैं, तो कैसी हुई चट्टानी एकता ये? देखिए वो तो पुरानी बात हो गई कि जनक छोड़कर चले गए, वो देखिए जनक तो छोड़ के जिधर चले जा रहे हैं उधर उनको नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, तो अच्छी बात है कि वो इधर से गए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए खेमे में नीतीश जी गए, तो नीतीश जी के साथ तमाम कमियां खामियां वो भारतीय जनता पार्टी अब उसका लेखा जोखा बनाए, तो वो एक तरह से। लेकिन आप भी, मैं कहूंगा राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन राहुल लाल जी मैं एक लाइटर नोट पर कह रहा हूं कि आप भी पैतरे बहुत अच्छा बदलते हैं, क्योंकि जब आपके साथ में ये चर्चा हम लोग अक्सर करते रहते थे और आप नीतीश कुमार के पक्ष में जो कसीदे गढ़ते थे, आज आपने जिस तरह से यू टर्न मारा है मैं क्या ही कहूँ। चलिए अपनी बात आपको बताइए। जी मैं कह दूं, देखिए उनके कई तरह की चीजें हमें अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान उस समय जो दिया था, मैंने उस समय भी आपके कार्यक्रम में खंडन किया था कि वो बयान पूर्णतः अशोभनीय है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बड़ा तगड़ा विरोध किया था। आज जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप उस बयान को आप मानने के लिए तैयार है, तो उन लोगों ने यही बयान दे रहे हैं कि क्या किया जाए, मोदी जी और अमित शाह जी ने निर्णय ले लिया है, तब उस बयान का हम लोग क्या करें, उनके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो मजबूरी देखिए बीजेपी को महिला विधायकों की, वो खुल के नीतीश कुमार जी की आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन आपके मूल मुद्दे पे मैं आ जाऊं कि देखिए यहाँ पे बिहार में जो तमाम जो यूपीए जो तमाम इंडिया के घटक है वो तो जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक चाचा भतीजा का लड़ाई नहीं सुलझा पाई है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी को देखिए महाराष्ट्र की यात्रा करनी पड़ी है, वहां पर भी सीट की स्थिति क्लियर नहीं हुई है। और जो लोग राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी वायनाड से तो चुनाव लड़ रहे हैं,
लेकिन अभी अभी उत्तर प्रदेश की सूची जारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की सूची जारी होगी तो उनकी वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी कि रायबरेली से कौन लड़ रहा है और अमेठी से कौन लड़ रहा है। तो वो दो जगहों पे कांग्रेस, मैं अभी भी कह दूं कि 17 सीट जो मिली है उत्तर प्रदेश में, कम से कम मैं प्रथम दृष्टि अभी कांग्रेस ने सीटें घोषित नहीं की है, लेकिन प्रथम दृष्टिया ही कम से कम आधा दर्जन सीटें हमें मिलते हुए नजर आ रही है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से। अच्छा चलिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं इस पर कमेंट अगर करना होगा तो जयराम विप्लव जी करेंगे। जयराम विप्लव जी, आपने सुना राहुल लाल को, उनकी बातों को तो आप जवाब देंगे ही, आपको लगता है कि एनडीए ने कोई एक निश्चित तौर पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है? जिस तरह से आज आपने देखा कि टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ में हुआ, या फिर हम उड़ीसा की जो राजनीति है उसकी बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दूसरे सहयोगियों को साथ जोड़ी है, अब कम से कम 41 सहयोगी एनडीए के हो गए हैं। देखिए, जोड़ वही टिकता है जहां पर उसकी धुरी मजबूत हो। गठबंधन को जब आप जोड़ने निकलते हैं ना, तो नेतृत्व जब मजबूत होता है और जहां पर जनता का मत लोगों को दिखाई पड़ता है, लगता है जनादेश यहां है, जनता इसको पसंद कर रही है, उसी नेता के साथ लोग जाना चाहते हैं। इसलिए एनडीए का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विस्तार लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ 24 दलों वाला एक गठबंधन जो चार बैठकों के बाद केवल चार दलों का गठबंधन रह गया है, आज घोषित तौर पर केवल केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये चार लोग ही बचे हैं। अब आप एक चीज और देख लीजिए, नहीं बीच में मत बोलिए प्लीज राहुल जी, हेमंत सोरेन का नाम खाली जोड़ा था, रखिए ना भाई प्लीज, मैंने सुना ना आपको, ये तरीका ठीक नहीं है। अब सुनिए, उसके बाद आप एक चीज जान लीजिए कि इस पूरे 2024 के चुनाव का सबसे सटीक आकलन अगर किसी ने किया है ना, उसके परिणाम का, तो उसका सबसे सटीक आकलन और अनुमान लगाया है आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। और इसलिए सोनिया गांधी जी ने अपनी पारंपरिक सीट पर खुद प्रत्याशी होने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि उनको परिणाम मालूम था, इसलिए वो राज्यसभा के दरवाजे से सदन पहुंची हैं। मैं उनकी बुद्धिमत्ता के लिए और कांग्रेस पार्टी के उनके जो सलाहकार हैं सबको बधाई देता हूं। महिला के ऊपर इसकी पन्नी सही नहीं है। अरे बीच में मत बोलिए भाई, मैं कह रहा हूँ बुजुर्ग महिला, अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए, ठीक है। देखिए देखिए, वो एक राजनीति को लेकर वो कह रहे हैं, आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा राहुल लाल जी, आपकी बारी आएगी तो जवाब दीजिएगा। बीच में बोल बोल करके ऐसे ही डिस्टर्बेंस करना चाहते? अरे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैंने तो कहा हेमंत सोरेन का नाम बोलना भूल गए थे। अरे आप मेरे ट्विटर नाम जोड़ दिया जा रहा है, राहुल गांधी का ट्विटर बन जाइए, राहुल गांधी को बताइए एमआरपी क्या होती है, उनका ट्यूशन लेंगे ना, आपको भी कुछ लाभ होगा, कुछ उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। मुझे मेरे समय में बोलने दीजिए, मुझे ठीक से पता है किन शब्दों का प्रयोग किन के लिए किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ये सब बातें ना करे, मोदी जी के लिए, उनके परिवार के लिए लगातार क्या बोल रहे हैं, अभी जो रिपोर्ट में भी दिखाई जा रही थी, आपके गठबंधन के साथी क्या बोल रहे हैं, राम का विरोध करते करते भारत के टुकड़े करने की बात ए राजा जैसे लोग कर रहे हैं, उस गठबंधन के लोग बैठ करके नैतिकता, राष्ट्रभक्ति और शुचिता की राजनीति का पाठ ना पढ़ाए। आज इंडी गठबंधन तार तार हो चुका है, केवल चार दल बचे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विस्तार ले रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम है और जनता का विश्वास किसके साथ है। आज जो काम हुए हैं उन काम के बल पर नरेंद्र मोदी जी और एनडीए चुनाव में जा रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ए राजा, चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, राहुल गांधी, इन सबके बयान सुन लीजिए, देश की जनता के मुद्दों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल हिंदुत्व विरोध, मोदी विरोध, भाजपा विरोध और भारत विरोध तक पहुंच गए हैं। इनके बयानों को सुन करके इनको पाकिस्तान में जरूर कुछ वोट मिल सकता है, भारत में नहीं मिलेगा जी। अनिल बंसल जी, आप इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं और जो अभी जो परिदृश्य है इंडी वर्सेस एनडीए, अगर इसमें देखा जाए जिस तरह से बीजेपी लगातार जो अपने सहयोगी हैं उनको जोड़ रहा है, जो पुराने सहयोगी उनको वापस लेकर के आ रही है, कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो चुनावों के घोषणा से पहले दोनों दल बनाने की कोशिश में है और शायद इसमें एनडीए एक लीड ले रही है, आपको क्या लग रहा है ये किस ओर जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, जब अभी आपने कहा जो जनक थे उन्होंने जो बात कही थी वो एक थोड़ी मजबूत बात थी। उनका दावा था कि इंडी गठबंधन के बनाने के पीछे
एनडीए के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक विपक्ष का उम्मीदवार देने की उनकी मंशा थी जी। तो ऐसा होता तो हो सकता है लड़ाई कुछ रोचक होती, कांटे की होती और कुछ सीन बदल सकता था या उसमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती थी, लेकिन वो खुद चले गए। उसके बाद आपस में बिखराव हो रहा है, कहीं आम आदमी पार्टी का गठबंधन है कहीं नहीं है। तो जो हमारे भाई साहब ने कहा, लाल साहब ने, कि वो लोकसभा के लिए है, तो लोकसभा के लिए पंजाब में नहीं है, लोकसभा के लिए दिल्ली में है। तो विरोधाभास तमाम तरह के हैं और कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है उससे लगता है कि इंडी गठबंधन के बजाय जो पुराना यूपीए चला आ रहा है एक तरह से कमोबेश वही रह जाएगा। ये यूपीए बनाम एनडीए की लड़ाई होगी और जो तटस्थ दल थे जैसे चंद्रबाबू नायडू या वो पहले राजग में थे फिर छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए थे और अभी वो एनडीए में आ गए हैं। इसके अलावा जो पिछले 2009 से अलग हो गए थे भाजपा से, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, मुझे लगता है उनको ये लाभ लगता है कि अगर वो लोकसभा चुनाव के साथ वहां विधानसभा चुनाव होता है तो जो समझौता बीजेपी का उनका हो रहा है, लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ेगी, विधानसभा में उनको ज्यादा सीटें देगी, तो वो एक नया कीर्तिमान कायम करने वाले हैं। छठी बार मुख्यमंत्री बन के जो देश में पवन चामलिंग का रिकॉर्ड है उसको वो तोड़ने वाले हैं, तो मुझे लगता है उसको भी अपना इंटरेस्ट है और बीजेपी को भी इंटरेस्ट है कि संसद में ज्यादा सीटें आए, ज्यादा सहयोग। एक बात और पवन बंसल जी, एक बात और मैं बस एक बात और कहूंगा, भाजपा को वैसे तो जो 303 सीटें पिछली बार आई थी किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है सरकार बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो जो आपने मनोवैज्ञानिक बात कही और दूसरी जो विपक्ष का गठबंधन है उसको कमजोर करने के लिए भी एक मंशा हो सकती है और सबका विश्वास सबका साथ सब ये जो एक तरह से चुनौती ही ना हो कहीं जो 400 सौ का लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है इसलिए भी एनडीए का विस्तार। लेकिन मैं जो बात दरअसल उठाना चाह रहा हूं कि स्टूप डाउन टू लोवेस्ट लेवल, आपने देखा कि परिवारवाद पर परिवार की जब बात कही लालू प्रसाद यादव ने तो क्या कुछ कहा, शायद उसको दोबारा रिपीट करना ठीक नहीं होगा। आज आपने सुना होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने हिटलर के साथ में तुलना की, तो ये जो बयानबाजी है ये क्या फ्रस्ट्रेशन में दी जा रही है, क्या सोच समझ कर नहीं दिए जा रहे हैं और ये एक विषाक्त वातावरण पैदा कर रहे हैं चुनावों में। ये कोई भी दल करे, निराशा वजह हो, कुंठा हो, हताशा हो, वो अलग बात हो गई, लेकिन राजनीति में शब्दों की मर्यादा, आरोप प्रत्यारोप की मर्यादा और विरोध की मर्यादा होनी चाहिए। व्यक्तिगत की बजाय हम सिद्धांतों पर बात करें, सरकार के कार्यक्रमों की आलोचना करें, नीतियों की आलोचना करें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है और अपना एजेंडा दें। यही इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा विरोधाभास रहा वो मुझे लगता है यही रहा कि हमने मूल आधार ही ये रख लिया कि हमारा मकसद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है। तो इस तरह से ये नकारात्मक जब हमने आधार लिया, हमको कहना था कि हम नरेंद्र मोदी से बेहतर एक सरकार पेश करेंगे, इस एजेंडा के साथ आगे आते तो एक सकारात्मक भूमिका होती, जहां हम आपस में लड़ते रहेंगे लेकिन नरेंद्र मोदी को हटाना है इसलिए हम एक हो जाएंगे। ये मुझे लगता है कोई अच्छी एक संरचना नहीं थी जो जी जी जी। और यही सवाल राहुल लाल के पास मैं लेकर जाऊंगा, जो आपने कहा कि सकारात्मकता के साथ में आते, जिस तरह की जो बयानबाजी हो रही है लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं से, कितना आप इससे सहमत होंगे राहुल लाल जी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस हर जगह सरेंडर की मुद्रा में क्यों है। अभी बंसल साहब ने प्रश्न उठाया कि पंजाब में गठबंधन नहीं है, हरियाणा दिल्ली में चलेगा, लेकिन उसके बावजूद सरेंडर कर रही है कांग्रेस। वो ये नहीं कह पा रही है कि जब पंजाब में नहीं करेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, हरियाणा और दिल्ली में भी अकेले लड़ लेंगे मोदी से। आप ममता बनर्जी वो पूरे टाइम परिदृश्य में दिखती रही, लेकिन वो कह रही नहीं जी, हम तो पश्चिम बंगाल में आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और आप नतमस्तक हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कई सारे क्वेश्चन पहलू यहां पे उभर के आ गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मनोवैज्ञानिक बढ़त को लेकर जो बातें हो रही है कि एनडीए में जो है कि तमाम दल आते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है और कमजोर हो रहा है, तो उसके साथ घटक दल भी कम बचे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। इसे खुद प्रधानमंत्री भी नहीं मानते। देखिए, अच्छा? प्रधानमंत्री का देखिए 400 का आंकड़ा दिया है उन्होंने, थोड़ा उसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। वो देखिए उन्होंने क्या आंकड़ा दे रहे, 370 बीजेपी प्लस 30 सहयोगी दल, अब वो 30 सीटें उन्होंने सहयोगी दल के लिए दी। उसमें देखिए पहले तो 38 सहयोगी दल थे वहां पे, लेकिन नए नए और सहयोगी दल, नीतीश कुमार जी भी गए, कई और लोग भी गए, लगभग वो संख्या 42 के आसपास तो पहुंच ही चुका है, मैं भी मानता हूं। लेकिन अब देखिए उसमें कौन है, एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उसमें, अभी तक जो गठबंधन हो चुका है, आप सोचिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है उसमें, उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी है, ये तमाम दल है इसमें शामिल, फिर भी उन्होंने जो सहयोगी गठबंधन के लिए सीटें कितनी रखी, 30। अगर आप उसको बांट दीजिए तो
तो एक सहयोगी दल को लगभग 0.6% एक सीट भी नहीं आ रहा। तो प्रधानमंत्री जी को पता है कि इसका जवाब इसका जवाब जयराम विप्लव जी देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि 400 पे स्टॉप हो जाएंगे, ये भी नहीं कहा कि 400 पे स्टॉप हो जाएंगे, 401 लाना मना है बिल्कुल, लेकिन 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 कोई बात नहीं है, आप अपनी बात पूरी कर ले, मैं आऊंगा जवाब लूंगा जयराम विप्लव से, अपनी बात पूरी कर ले, मुझे लगता है इसके अतिरिक्त जो दूसरे सवाल पूछे गए उस पर भी फोकस कर जी उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। तो देखिए मैं प्रथम सवाल का तो ये हुआ कि खुद प्रधानमंत्री खुद ही मान रहे हैं कि उनके सहयोगी काफी कमजोर किस्म के, जो करना है बीजेपी को ही करना है, और वो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सच्चाई के साथ स्वीकार भी किया। अब आइए दूसरे सवाल पे कि आखिर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता जो है दिल्ली में, हरियाणा में और गुजरात तक में भी, लेकिन पंजाब में क्यों नहीं? देखिए पंजाब और पश्चिम बंगाल इसकी एक स्पेशल स्थिति है, वहां पे आप अगर मुकाबला को 1-1 बनाते हैं, देखिए 1-1 मुकाबला ही टीम इंडिया का लक्ष्य है, लेकिन ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे कि 1-1 मुकाबला से भारतीय जनता पार्टी को जो है लाभ हो जाता है। अब आप मान के चलिए कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ हो जाए, तो फिर वहां पे अकाली और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए फिर रास्ते बनते हैं वो। लेकिन अगर ये दोनों ही लड़ रहे हैं टीम इंडिया के लिए, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही जगह पे, तो सीटें किसकी आने, ना तो आपको पक्ष में जगह मिलना ना विपक्ष में जगह मिलना, यही स्थिति है। मान लीजिए ममता बनर्जी से जो लोग नाराज है वहां पे, आप अगर और कोई बीजेपी से भी नाराज है, आपको तीसरा एंगल भी देना पड़ेगा वहां पे, और वो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये दोनों राज्यों में जो ये स्थिति है इसको कंफ्यूजन नहीं मान सकते, इसको टीम इंडिया की मजबूती मानना पड़ेगा। ये अच्छा जिसको आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं, ठीक है आपने अपनी बात कह दी, दरअसल जिसको आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो ये दिखाता है कि साहस की कमी है, और साहस नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लोकप्रियता के जिस रथ पर वो सवार है उसको रोकने के लिए वो अकेले दम भी भर सके, इसलिए कई बार लगता है कि आम आदमी पार्टी भी उनको फटकारती हुई नजर आती, ममता बनर्जी भी करती हैं, दुरदुराती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लगे हुए कि नहीं जी हमको आप गठबंधन में शामिल रखिए, हम लगे हुए आपके साथ, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल सवाल मेरा ये था, मैं जयराम विप्लव जी के पास आऊंगा। जयराम विप्लव जी आपको लग रहा है कि ये जो सारी स्थितियां हैं उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये जो कह रहे हैं कि अलग अलग करेंगे तो इससे जो इंडी गठबंधन है उसको फायदा मिलेगा, ये जो 0.6 का जो उन्होंने जो एक आंकड़ा बनाया, मैं चाहूंगा उस पर भी जवाब दें। देखिए मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं साहस की प्रशंसा करना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व और इनका जो राजनीतिक गठबंधन है उसके नेता भले साहस नहीं कर पा रहे अच्छे निर्णय लेने का, चुनाव में लड़ जाने का, शीर्ष नेताओं में ही चुनाव छोड़कर राज्यसभा का दरवाजा पकड़ने की होड़ लगी है, लेकिन उनके प्रवक्ताओं की साहसिक प्रशंसा हमको करनी पड़ेगी कि वो लोग बड़े अच्छे तरीके से तर्क कुतर गढ़ के डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। मोदी जी ने यह तो नहीं कहा था कि 400 पार जो कहा तो प्लस में तो 543 तक जाने का ऑप्शन है ही, जो जहां तक उसके आगे जा सकते हैं, मिनिमम एक लक्ष्य लिया गया कि कम से कम एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा, वो आगे कहां तक जाता है ये भारत की जनता को तय करना है, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि टीम इंडिया की हालत देखिए, ये एक बहुत माहिर मजबूत और लोकप्रिय पहलवान को पटकनी देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पूरे मैच में उनके सामने कौन प्रतिद्वंदी उतरेगा ये बताने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम घोषित करेंगे, भैया जब मैच होगा ही नहीं, आप अपने सामने के प्रतिद्वंदी तक को लाने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी तो वही है ना, कड़वी बात लगेगी लेकिन ये सच्चाई है, तथ्य है कि राहुल जी जब 2019 का चुनाव हार गए तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस की नैया को डूबता हुआ छोड़कर कैप्टन कूदकर भाग गया था अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, अपने फेस सेविंग के लिए, और फिर कुछ दिनों बाद वो वापस आते हैं और सारी चीजों को कमान संभालते हैं। तो राहुल यान लगातार फेल हो रहा है लॉन्चिंग में, ये उनको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत एक सार्थक चर्चा में कहूंगा, और इस पर फिर हम आगे इस चर्चा को और विस्तार देंगे, क्योंकि जो राजनीति की बातें हैं वो शायद एक सिरे से दूसरे तक जुड़ती हैं और खत्म नहीं होती, तो इसलिए चर्चा का अंत तो शायद किसी एक निष्कर्ष के साथ में नहीं खत्म किया जा सकता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। राहुल लाल जी बिल्कुल समय नहीं, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अब बंद करना होगा चर्चा को, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। राहुल लाल जी आपका, जयराम विप्लव जी आपका, और बंसल साहब अनिल बंसल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
हैप्पी बर्थडे माय डियर। टागोर। अरे ये क्या? एब्सोल्यूट। मेरी नई स्कूटी के लिए। वो बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या जान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। आज मेरे पापा भारत फर्नीचर की फैक्ट्री खोल रहे हैं। वाह पापा, बधाई हो। बेटा बधाई मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी को दो, जो स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना देकर हम वंचितों को खड़ा कर दिया, सम्मान से भर दिया। हाँ पापा, सैचुरेशन का जमाना है अब। सिर्फ इसी गांव का नहीं, हर गांव के वंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है अब, छात्रवृत्ति पाता है। DBT ने अन्याय से बचाया है, शोषित को सम्मान दिलाया है, सैचुरेशन ने हौसला समय पर अपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप देश में कई परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि आपके टैक्स से बनी ये मेट्रो जो विशाल जैसे कई लोगों की उनके कार्यस्थल तक समय पर पहुंचने में मदद करती है। गांव शहर में उभरती कंपनियां जिनसे सविता जैसे अनेक युवा और युवतियों को रोजगार मिलता है। हर जिले में बने आधुनिक स्कूल जिससे सुनीता जैसे कई बच्चे चांद पर पहुँचने का सपना देखते हैं। देश की प्रगति को गति देना आपके ही हाथों में है, क्योंकि बनेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 तक जमा करें, जिससे आप भी देश के विकास में भागीदार बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। टेक स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्लेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी, समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए पीएम मोदी, सिलीगुड़ी में BJP की विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस मौके पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। परिवारवाद पर विपक्षी दलों को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आम लोगों के परिवार की चिंता करने वाला सिर्फ मोदी है। मोदी जी स्वागतम, माननीय प्रधानमंत्री स्वागतम। पश्चिम बंगाल को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देने के बाद प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, तो जनसैलाब का जोश और उत्साह आसमान पर था। यहां प्रधानमंत्री के संबोधन में TMC और कांग्रेस सहित पूरा इंडी गठबंधन लगातार निशाने पर रहा। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन को घेरते हुए पीएम ने कहा कि इन दलों को आम लोगों की चिंता नहीं है। पीएम ने कहा कि आम लोगों के परिवार की चिंता करने वाला सिर्फ मोदी है। TMC वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। मुझे किसी के लिए भी कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ना है, कोई बंगला गाड़ी नहीं छोड़नी है।
मुझे तो संतोष तभी होता है जब आप जैसे मेरे परिवार के सदस्य को मैं पक्के घर में सारी सहूलियत के साथ जीवन जीते देखता हूं। पीएम ने इंडी गठबंधन पर उत्तर बंगाल की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि भाजपा के पास यहां के विकास का स्पष्ट रोड मैप है। पीएम ने चाय उत्पादकों और चाय बागान मजदूरों सहित किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार केंद्र की जन कल्याण योजनाओं में रुकावट डाल रही है। पीएम ने ममता सरकार पर गरीबों के पैसे की लूट का आरोप लगाया। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, इनका जो इंडी गठबंधन आपको मुफ्त राशन देने का भी विरोध कर रहा है। यहां बंगाल में तो भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है। पीएम ने कहा कि आज देश के कोने कोने से इस बार एनडीए 400 पार की आवाज आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा शांति और सौहार्द से हर आकांक्षा और सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जिनके हल की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मोदी ने ऐसे हर मुद्दे को हल किया। भाजपा की सिलीगुड़ी की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब पार्टी के जबरदस्त जोश को दिखाने वाला है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि आत्मविश्वास से भरी हुई भाजपा चुनावी रण में उतरने को पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चुनावी रण में उतरने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा कि किस तरह से जो फ्लैश लाइट्स जब जलाते हैं प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो युवा, तो वो तस्वीरें देखने लायक होती है। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसकी जो समर्थन है प्रधानमंत्री का, वो दिखता हुआ रहता है। और शनिवार का दिन जो भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती और खादी इंडिया के लिए बहुत खास रहा, इसके बारे में आपको हमने शुरुआत में ही बताया है। किस तरह से यह खास रहा है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आयुष्मान भव। डैडी, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर, किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर, 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर, दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस।
घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। सो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और शनिवार का दिन भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती और खादी इंडिया के लिए बेहद खास रहा। नई दिल्ली स्थित प्रसार भारती सचिवालय में खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन की भावना को मजबूती देते हुए दोनों संस्थान एक साथ आए। दोनों के बीच सहयोग के बाद अब खादी के बने परिधानों को DD न्यूज और DD इंडिया के एंकर्स पहनकर भारत की समृद्ध विरासत और आधुनिकता को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य अतिथियों के साथ साथ KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि दूरदर्शन और खादी इंडिया की इस पहल से उन लोगों को भी संदेश जाएगा जो खादी नहीं पहनना चाहते हैं। दूरदर्शन और खादी इंडिया की ये पहल मुझे लगता है संचार क्रांति में जितने लोग अपने आप को मठाधीश करके बैठे हैं, उनको यहाँ से सीखना चाहिए कि हमारी खादी को अगर वास्तव में आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है, हमारे युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बनाना है और ग्रामीण भारत में दूर दराज पे बैठी कोई मेरी माँ, कोई मेरी बहन पूरे परिश्रम के साथ जब इस धागे को बनाती है, इस खादी को बनाती है, तो उसके पसीने की महक, उससे बना हुआ उत्पाद अगर हमारे एंकर यहाँ पहनेंगे तो उसकी गूंज सिर्फ यहाँ नहीं, उन तक भी पहुंचेगी जो खादी को अपनाना नहीं चाहते। और मनोज कुमार ने DD न्यूज की तारीफ की, सराहना की और कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में खादी की यात्रा को और आगे ले जाना है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि PM के विकास और विरासत के विजन को यह पहल और आगे बढ़ाएगी। अपनाना है हमें, स्वदेशी को अपनाना है, खादी खरीदनी है, खादी पहननी है। मुझे लगता है इस मंत्र को आज दूरदर्शन के माध्यम से जब सब लोगों के बीच में ये विचार जाएगा कि हाँ देखिए, दूरदर्शन पे जो एंकर बैठे हैं वो हमारी भव्य और दिव्य खादी को पहन के बैठे हैं, तो ये विचार, क्योंकि दूरदर्शन पे जो भी खबरें होती हैं आप लोग तो जानते हैं ना, और शायद हम सब ने बचपन से देखा है कि वो सच्चाई के साथ होती है। आप लोगों का नया रंग रूप, आपका ये बदलता हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका बदलता हुआ TV के ऊपर नया नया रूप, आपके क्रिएटिव मैं देखता हूँ आप लोगों के, पूरा आपने पूरा तंत्र बिल्कुल बदल के रख दिया है। एक ऐसी टीम जिसके साथ हमारी टीम को भी काम करने का सौभाग्य मिला, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में इस यात्रा को, ये सुखद यात्रा को हमें और आगे तक लेके जाना है।